मूवी के स्टार्टिंग में हम एक मार्टिना नाम की औरत को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त योगो और लुसी के साथ बाहर घूमने के लिए आई थी। एक्चुअली मार्टिना अपने वीकेंड को मनाने के लिए योगो और लुसी के साथ उनके फार्म हाउस में आई थी। तो वो दोनों एक फार्म हाउस में जा रहे थे जो कि शहर से काफी दूर था। कुछ ही देर के बाद हम देखते कि वो तीनों भी अपने फार्म हाउस में आ चुके थे, जहाँ पे वो तीनों मिलके डिसाइड करते कि हम रोज एक शिकार करेंगे और हर दिन नए नए जानवर का टेस्ट करेंगे। जिसके बाद हम देखते कि वो तीनों भी अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हम देखते कि मार्टिना पूरी तरीके से थक जाती है और साथ ही साथ योगो और लुसी भी बुरी तरीके से थक चुकी थी। तभी लुसी योगो से कहती कि मुझे बहुत ही जोर से भूख लगा है, तो चलो हम आसपास के एरिया से कुछ खाने का बंदोबस्त करके आते। जिसके रिप्लाई में हम देखते कि योगो एक मिनट भी लेता नहीं सोचने के लिए, वो डायरेक्ट तैयार हो जाता है लुसी के साथ बाहर जाने के लिए। इसके बाद हम देखते कि योगो और लुसी दोनों मार्टिना से कहते कि हम कुछ ही देर में वापस लौटेंगे, लेकिन काफी समय हो जाता है फिर भी वो दोनों लौट के वापस आते नहीं। तो अगले सुबह मार्टिना को मजबूरी में घर से निकल के वो दोनों को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। मार्टिना के साथ हम लुसी और योगो के फेवरेट डॉग को भी देखते हैं, जो कि उसके साथ ढूंढ रहा था अपने मालिक को। वो दोनों जंगल से गुजरते हुए रोड के बीचों बीच आ गए थे, तभी अचानक से लुसी का डॉग वहाँ पे कुछ देखते हुए भौंकने लगता है, तो मार्टिना उसे शांत करती है और आगे की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी अचानक से वो किसी चीज से टकराती है, जिसके वजह से वो पीछे आ जाती है। वो दोबारा आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा इनविजिबल वॉल जैसा था जो कि उसे आगे जाने से रोक रहा था। मार्टिना को ऐसा लग रहा था कि यह सब उसका एक भ्रम है, वो वापस से आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी बार ट्राई करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पाती है। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो वापस से उसी जगह जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कोई इनविजिबल वॉल उसे आगे जाने से रोक रहा था। तो वो फाइनली हार मान के वापस से अपने घर में चली जाती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि मार्टिना वापस से वही जगह में आती है ये चेक करने के लिए जो उसने कल देखा था वो उसका भ्रम था या फिर रियलिटी। लेकिन अभी वहाँ पर उसे इनविजिबल वॉल दिख रहा था जो कि उसे कल रोक रहा था आगे जाने से, जिससे वो कंफर्म समझ जाती कि जो भी उसने कल देखा था वो उसकी रियलिटी थी ना कि कोई भ्रम। इसके बाद मार्टिना दुखी होकर वापस से अपने घर जा रही थी, तभी उसी रास्ते के बीच वहाँ पर उसे एक कपल दिखाई देता है जो कि काम कर रहे थे। वो भागते हुए वो दोनों से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन वहाँ पर भी उसे एक इनविजिबल वॉल दिखाई देता है। लेकिन दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि जो कपल उसके सामने खड़े है वो एक्चुअली एक पुतले है। तो वो उसी चीज को कंफर्म करने के लिए अपनी दूरबीन से वो लोग को देखने लगती है। गौर से देखने के बाद वो उसे कंफर्म पता चल चुका था कि वो दोनों इंसान है, लेकिन कहानी में ये ट्विस्ट था कि वो दोनों भी जमे हुए थे, मतलब कि फ्रीज बने हुए, जिसके वजह से अब उसको अकेला फील होने चालू हो गया था और अब उसके पास कोई बच्चा भी नहीं था जिससे वो बात कर सके। तो वो अकेली अपनी जिंदगी बिताने लगती है उसी जंगल में। इसी बीच हम देखते कि एक दिन जंगल में अपने सामने उसको एक गाय दिखाई देती है जो कि उसको देख रही थी। स्टार्टिंग में मार्टिना काफी उससे डरती है और उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूं। और जैसे कि अब उसके पास कोई बच्चा नहीं था उसके साथ रहने के लिए, तो वो उसी गाय को अपने साथ ले आती है। वो धीरे धीरे उसके काफी क्लोज आ जाती है और उसका ख्याल रखना चालू कर देती है, और साथ ही साथ वो अपने दोस्त से चाय और कॉफी का बंदोबस्त भी कर लेती थी, जिसके वजह से अब वो आसानी से सरवाइव कर पा रही थी जंगल के बीच। ये सब के बदले वो रोज गाय के लिए घास काट के लाती थी और उसका देखभाल करती थी। अगले सुबह हम देखते कि मार्टिना यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तो भी अचानक से उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है और वो ये देख के समझ जाती कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, क्योंकि ठीक उसके सामने एक और उसकी तरह कोई कार खड़ा करके गया था, जिसके एक ही मतलब निकल के अब सामने आ रहा था कि वो इस जंगल के बुलबुलिया में फंस के रह गई है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि जिस रास्ते से वो आई थी अचानक से वहाँ पे इनविजिबल वॉल कैसे आ गया। वो मायूस होकर वापस से अपने घर चली जाती है, और यहाँ पर आने के बाद वो बहुत ही ढोने लगती है कि क्यों वो यहाँ पर आई अपने दोस्त लोग के साथ। मार्टिना भी समझ चुकी थी कि अब उसके लिए यहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल ही है, तो वो इसी सिचुएशन में खुद को फिक्स करने की कोशिश कर रही थी। वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खुद को बिजी रखना चालू कर देती है,
जैसे कि लकड़ी काटना और साथ ही साथ कुछ उगाना, खेती करना। उसने वहाँ पे आलू की खेती भी चालू कर दिए थे 6 महीने के लिए, जो कि उसके काम आएंगे। लेकिन जैसे कि बारिश का मौसम बहुत ही जल्दी आने वाला था, इसलिए वो जंगल से पहले से भी लकड़ियाँ तोड़ के ला देती है अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए। उसे एक दिन अपने घर के सामने एक बिल्ली दिखाई देती है जो कि बारिश में भीग रही थी। वो उसे भी अपने घर के अंदर ले लेती है। अब इसके पास काफ़ी सारे जानवर हो चुके थे, वो सभी का ध्यान बड़े अच्छे से रख रही थी। अब उसे ये ज़िंदगी अच्छी लगना चालू हो जाती है। तो वो एक दिन खुशी में शिकार करने के लिए अकेला निकल जाती है जंगल में। उसे अपने सामने एक जानवर दिखाई देता है, वो जैसे उसका शिकार करने वाली थी, लेकिन तभी वो खुद को घायल कर देती है क्योंकि इससे पहले उसने कभी शिकार किया नहीं था। वो अगले दिन वापस आती है और फिर एक बार ट्राई करती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि आज वो एक हिरन का शिकार कर लेती है सक्सेसफुली। वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके एक हफ्ते का खाना निकल चुका था। वो उसी हिरन को अपने घर लेके जाती है और उसे पका के खाने लगती है बड़े मज़े से। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिना अब पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो चुकी थी ये जंगल में। वो अपने पेट डॉग के साथ एक जंगल के पहाड़ में आई थी घूमने के लिए। मार्टिना यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स फील करती है और थोड़ी देर यहाँ पर ही सो जाती है। इसके बाद वो जैसे वहाँ से निकल के अपने घर में आती है तो वो देखती है कि उसकी बिल्ली को बच्चे हुए थे। और जैसे देखने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके घर के मेंबर की लिस्ट बढ़ रहे थे। भले वो इंसान नहीं थे लेकिन जो भी थे अब उसके वही थे। सब कुछ एकदम स्टेबल हो चुका था। मार्टिना भी यहाँ पे काफ़ी खुश हो चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से मौसम चेंज होता है और बारिश के बदले अब स्नोफॉल होना चालू हो गया था, जिससे जो ठंडी थी वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसी ठंडी का शिकार जो बिल्ली के बच्चे थे वो बेचारे बन जाते, मतलब कि वो लोग ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पाते और ठंड के मारे मर जाते। मार्टिना ये देख के काफ़ी दुखी हो जाती है और वो जंगल में बिल्ली के बच्चे लोग को दफना देती है। मार्टिना अब डायरी लिखना चालू कर देती है क्योंकि अगर वो हमेशा के लिए इधर फंस के रह गई तो उसके मरने के बाद इसकी स्टोरी कोई पढ़ भी सकता है। लेकिन उसके पास फिलहाल के लिए तो बस एक ही डायरी था, जिसका आखिरी पेज भी बहुत ही जल्दी आने वाला था। कुछ ही दिन ऐसे ही गुजरते जहाँ पे हम देखते कि मार्टिना सुबह से शाम तक अपने घर में बस होती थी क्योंकि बाहर वो जा नहीं सकती थी स्नोफॉल के वजह से। और दूसरी ओर उसको ये डर लग रहा था कि कहीं वो पागल ना हो जाए क्योंकि एक इंसान कितने टाइम तक अकेला रह सकता है। तो ये सब की वजह से वो काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। इसी बीच हम देखते कि उसी गाय के एक बच्चे होने वाले थे और दूसरी तरफ मार्टिना को कुछ पता नहीं था कि कैसे डिलीवरी करते हैं। वो अपना पूरा 100% देती है और फाइनली हम देखते कि सक्सेसफुल डिलीवरी हो गया था। अब वापस से उसके घर के मेंबर बढ़ चुके थे और साथ ही साथ हम देखते कि कुछ दिनों के बाद स्नोफॉल भी होना बंद हो गया था। मार्टिना वो बछड़े को और इसकी माँ को हमेशा चढ़ाने के लिए लेके जाती थी। फिर एक बार मार्टिना का लाइफ वापस से स्टेबल होना चालू हो गया था, वो पहले की तरह मेंटली स्टेबल हो रही थी। इसके बाद मूवी का सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है मार्टिना के ऊपर, जहाँ पे हम ये देखते कि मार्टिना आज का तारीख डायरी में लिख रही थी और साथ ही साथ वो ये भी बताती कि आज पूरे 1 साल हो गए, जहाँ पे वो अपने फैमिली और अपने दोस्त लोग से दूर है। वो पूरी तरीके से अपने फैमिली और अपने दोस्त लोग से दूर हो चुकी थी। अब उसकी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी कि वो कभी लौट के वापस अपने घर तक जाएगी, लेकिन ये सब हो जाने के बावजूद भी वो काफी खुश थी। वो सिचुएशन को पूरी तरीके से स्वीकार कर चुकी थी। वो डिसाइड करती कि वो सेलिब्रेट करेगी ये मोमेंट को किसी पहाड़ में जाके, वही पहाड़ियों में जाके जहाँ पे वो लास्ट टाइम गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पेट के साथ उसी माउंटेन में पहुंच चुकी थी जहाँ पे वो फिर एक बार अपने लाइफ के सुकून के पल जी रही थी। उसे घर में रहे काफी दिन बीत चुके थे तो वो खुले आसमान के नीचे आराम कर रही थी। इसके बाद हम देखते कि जब वो शाम में लौट रही थी वापस अपने घर में, तभी वो अपने घर के पास एक पागल से इंसान को दिखती है। एक्चुअली ये भी कोई और नहीं बल्कि मार्टिना की तरह फंसा हुआ इंसान था जिसकी मेंटली हालत तो काफी बेकार हो चुकी थी। मार्टिना तुरंत अपने घर की ओर भागती गन को लेने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते कि वो पागल इंसान ने वही गाय के बछड़े को पूरी तरीके से मार चुका था। तभी वहाँ पे हम मार्टिना की डॉग को देखते जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिसका अंजाम हम देखते कि बहुत ही बुरा होता है। दूसरी तरफ हम देखते कि मार्टिना भी आ चुकी थी लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। वो साइको इंसान ने अब तक 2 लोगों को मार दिया था। मार्टिना ये देख के काफी गुस्सा होती है और उस पर लगातार शूट करना चालू कर देती है और इसे बहुत ही बुरी तरीके से शूट करके मार देती है।
जिसके बाद वो साइको का लाश वो खाई से नीचे गिरा देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से मार्टिना का लाइफ पहले जैसे अनस्टेबल होने चालू हो गया था, क्योंकि उसके मेंबर जैसे बढ़ रहे थे वैसे कोई ना कोई आके उसे मार दे रहा था। उसके पास बस अब उसकी गाय बची थी जो कि उसे स्टार्टिंग में मिली थी। वो अपने पेट डॉग और उसी बछड़े के लाश को दफनाने के लिए चली जाती है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम मार्टिना को देखते हैं और जो कि अपनी डायरी के आखिरी पेज में कुछ लिख रही थी। वो अपने डायरी के आखिरी पेज में लिख रही थी कि दुनिया में जितनी भी मुसीबत आ जाए कभी भी अपनी हिम्मत को हारना मत, हमेशा इसी होप में रहना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लिखते हुए उसके फेस में ना ही कोई स्माइल था ना ही कुछ एक्सप्रेशन, वो पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बन चुकी थी। और आखिरी में हम देखते कि मार्टिना आसमान की ओर देखती है और सोचती कि कभी ना कभी कोई तो उसे बचाने के लिए वापस आएगा। और इसी इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ ये मूवी दी एंड होती है। इस मूवी से हमें दो एग्जांपल दिखाई देते हैं। पहला वो इंसान जो कि मार्टिना की तरह सेम कंडीशन में था, लेकिन वो अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाया जिसकी वजह से वो साइको बन के पागल की तरह रहने लगा। दूसरा एग्जाम्पल मार्टिना जो भी सेम कंडीशन में थी, लेकिन उसने अपने माइंड को समझाया कि जो भी कंडीशन हो वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, जिसके वजह से वो अब भी सरवाइव करी इसी उम्मीद में कभी ना कभी कोई तो आएगा उसे बचाने। और इसी हिडन मैसेज के साथ ये मूवी इधर ही एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।